नमस्कार, मैं डॉक्टर आर एम नयाल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संग्रहालय अपनी ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत अपने संग्रहालय में स्थित विभिन्न प्रदर्शनों का प्रदर्शन ऑनलाइन के माध्यम से कर रहा है, ताकि देश के विदेश के लोग इससे जुड़ सके और संग्रहालय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। संग्रहालय में यूँ तो विभिन्न मुक्ताकाश प्रदर्शनियाँ हैं, जिनमें मुख्यतः जनजातीय आवास, मरुगांव, हिमालय विलेज एवं अन्य प्रदर्शनियाँ हैं। इसमें मैं आज जिस प्रदर्शनी की बात कर रहा हूँ, इसे हिमालय विलेज के नाम से जाना जाता है। इसमें कई क्षेत्रों के मकान लाकर प्रदर्शित किए गए हैं। आज मैं विशेष रूप से उत्तरांचल जिला उत्तरकाशी से संकलित एक मकान के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे चौकट के नाम से जाना जाता है। उत्तरांचल में वास्तुकला के आधार पर कई माध्यमों से बनाया जाता है। ये चौकट चूँकि चार मंजिला भवन है, इसलिए चौकट कहा जाता है। जो एक मंजिला होते हैं उन्हें पुंडलू कहा जाता है, और जिनमें एक ही मंजिल होती है उसको छानी के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्यतः पशुओं को भी रखा जाता है। आज मैं जिस प्रदर्श की बात कर रहा हूँ, उसे संग्रहालय द्वारा 2006 जिला उत्तरकाशी ग्राम फर्री तहसील बड़कोट से संकलित किया गया। ये जो मकान हमने संकलित किया है, ये उत्तरकाशी क्षेत्र रमाई क्षेत्र इसको कहा जाता है, पूरा रमाई क्षेत्र इस तरह के वास्तुकला से निर्मित मकान इस क्षेत्र में प्रदर्शित हैं। चौकट कहा जाता है, एक्चुअली चौकट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चार मंजिला है, और यदि ये पांच मंजिला होता तो इसको पूर्व कहा जाता है, जिसको पाँच मंजिला भी कहते हैं, और तीन मंजिला को पुंडलू कहा जाता है। एक लोकल भाषा में कूड़ू भी कहा जाता है। कूड़ू मीन्स जो सिंगल स्टोरी के होते हैं, या उसमें एक स्टोरी हो सकता है, कूड़ू एक सामान्य वर्ग है, लेकिन इसको चौकट ही कहेंगे। इससे जैसे सात आठ मंजिले भी जो होते हैं, उसको हवेली के नाम से जाना जाता है। इस चौकट को मुख्यतः देवदार की लकड़ी एवं वहाँ की लोकल स्थानीय पत्थरों से बनाया जाता है। प्राचीन काल में चौकट को बनाने में, या इस क्षेत्र में मकान को बनाने में, उड़द की दाल को पीस कर उसका लेई बनाई जाती थी। सारे गाँव के लोग जैसे शादियों में अपने अपने घरों में कुछ बनाते हैं, तो मकान में भी हर प्रतिदिन उस उड़द की दाल को भिगा के पीस के, और सारे गांव के लोग संकलित करके श्रमदान के माध्यम से इसको लाया जाता, और फिर लेई पत्थर को लगा के
बनाया जाता था, तो फिर ये सैकड़ों साल तक इसमें ना कोई कीड़ा लगता था ना कोई कुछ प्रॉब्लम होती थी, इसलिए ये इस काफ़ी मजबूत हुआ करते थे। इसमें आप देखेंगे कि दोनों साइड से लकड़ी के खंभे खड़े हैं जो कि चुनाई के साथ चिपके हुए हैं, जो कि भूकंप के टाइम पे, इसमें उत्तरकाशी साइड में कई बार कई तरह के भूकंप आए, लेकिन ये मकान 60-70 साल पुराना है, लेकिन इस मकान को कोई भी हानि नहीं हुई। तो इसका ये मतलब है कि पत्थरों और लकड़ी का जो समावेश है वो इस तरह आपस में होता है, और जो पुराने टाइम पे दाल की लेई सी जो चिपका के पत्थर लगाए जाते थे बहुत ही मजबूत होते थे, वो मकान को कुछ भी नहीं होने देते थे। चौकट में जो प्रवेश करने का केवल मुख्य द्वार यही होता है, और इसको एक मोटी लकड़ी से देवदार की लकड़ी से बनाया जाता है ताकि सुरक्षा भी रहे। और आप देख रहे होंगे इसका साइज़ बहुत छोटा है, क्योंकि पूरे मकान में पूरी खिड़कियां बहुत छोटी छोटी हैं, क्योंकि ये इस इलाके में काफ़ी सर्दी पड़ती है और जिससे ठंड न लगे, इसलिए इसके वजह मुख्यतः प्रथम इस तल में आमतौर पर पशु मवेशियों को रखा जाता है, छोटे बकरियां या छोटे छोटे जानवर जो होते हैं, और अन्य जानवरों के लिए एक भवन से दूर एक सिंगल स्टोरी का घर बनाया जाता है, मकान बनाया जिसमें केवल जानवरों को रखा जाता है, उसे छानी के नाम से जाना जाता है, ये उनके इस घर से थोड़ा दूर में होता है। उसके बाद प्रथम और द्वितीय तल में ये लोग अपने रहने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें खास बात यह है कि जो किचन होता है इनका, ये सबसे ऊपरी मंजिल में होता है, और इसके लिए बाहर एक लकड़ी का जो आउटलेट होता है वहीं बर्तन धोते हैं, वहीं से वो बाहर और नीचे निकल जाता है। तो ये इस तरह का ये इसको अब इसका प्रयोग वो लोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भूकंप रोधी मकान है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पिलर है ये यहाँ से लेके पीछे तक एक ही स्लीपर है, और इसी स्लीपर के ऊपर पीछे की तरफ से ऊपर चिपके हुए दो या तीन पोल लगाए जाते हैं जो कि पूरा ऊपर तक, उसमें कोई ज्वाइंट नहीं होता है, ताकि वो भूकंप में इस मकान को पकड़े हुए रखते हैं। और वही सामान दूर पर बहुत सारे स्लीपर जो है पत्थरों के साथ स्लीपर को भी लगाया जाता है, ये इसका बनाने का एक स्टाइल है। तो उत्तरकाशी के क्षेत्र के मकानों में आमतौर पर आप देखेंगे कि मुख्य गेट के ऊपर में ये जो कार्विंग किए हुए डिजाइन बनाए गए थे हैं, ये लोकल डिजाइन लोकल मिस्त्रियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें आप ऊपर देखें एक हिरण का एक मुखौटा भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि हिरण उस क्षेत्र में जंगली जानवरों में मुख्य है, जो मुख्यतः पाया जाता है, इसलिए उस तरह उनको देख के उन्होंने इस तरह के डिपिक्ट किया हो। ये पूरा इसके शो के लिए बनाया गया है, और एक सभी लोग इसको इस तरह का आर्किटेक्चर में यूज़ करते हैं। ये जो आपने मकान चौकट देखा, वहाँ पे हर एक प्रत्येक मकान के साथ एक कुठार मतलब जिसमें अनाज रखा जाता है, इसको हर एक कुठार के नाम जाना जाता है, और हर एक घर वाला एक अपने अनाज रखने के लिए अलग सा कुठार बनाया जाता है, स्टोर बिन जिसे कहा जाता है। और इसमें अंदर एक सांकल लोहे की लगी रहती है, आप देख रहे होंगे, और इसको उससे जोड़ा गया है। यदि कोई कभी इसमें अनाज की चोरी के लिए आता है तो जैसे ही वो घुसेगा वो वहाँ पर घंटी बज जाएगी। तो एक परंपरागत सुरक्षा का एक इंतजाम है, जिसे कि वहाँ के लोगों ने वर्षों से इसको प्रयुक्त किया है। जो ये कुठार है, स्टोर बिन है, ऊपर से इसमें अनाज निकाला जाता है, जो कि एक बॉक्स टॉप का है, और इसमें नीचे आप देखेंगे खिड़की खोल के यहाँ पे ये नीचे जो ये कुठार ये बना हुआ है, जो इसके अंदर अनाज रखा जाता है, इसको बनाने के लिए बनाया गया है ये, और ऊपर से इसमें अनाज को निकाला जाता है, वहीं से रखा भी जाता है। तो ये सुरक्षा के हिसाब से इसमें जाना है, कोई कीड़ा न लगे, कुठार खराब ना हो, तो उसके सुरक्षा के लिए यहाँ से ये प्रवेश करते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप तक पहुँचे और आप का ज्ञानवर्धन हो, और आप हमारे संग्रहालय में स्वयं पधारें तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप स्वस्थ रहें, अपने घर पर ही रहें, और सरकारी नियमों का पालन करते रहें। धन्यवाद।